हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है, उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड रखते हैं। तो बिना देरी के, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए, जो दोस्तों आपके एग्जाम और एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द DL सिस्टम ऑफ नोमेनी क्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाई ब्लैंक डायरेक्टर है इन 1906। तो फेराडे, रोशनॉफ, मैरी क्यूरी और आर्किमेड्स। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोशनॉफ। द DL सिस्टम ऑफ नोमेनी क्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाई रोशनॉफ, क्या हो जाएगा, रोशनॉफ ने की थी इन 1906 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ब्लैंक दे रखा है इज फाउंड इन मिल्क। दोस्तों मिल्क में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। ब्लैंक दे रखा है आर प्रेजेंट इन प्लांट गम्स एंड म्यूसिलेज, आर प्रेजेंट इन प्लांट गम्स एंड म्यूसिलोज, फ्रक्टोज, पेंटोसंस, सेल्यूलोज और ट्रीहेलोज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेंटोसंस आर प्रेजेंट इन प्लांट्स गम्स एंड म्यूसिलोज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलीज एंड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो साइलिक एसिड, इन्यूलिन, पेक्टिन और प्रोटियोग्लाइकेंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेक्टिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ब्लैंक दे रखा है आर स्वीट, क्रिस्टलिन एंड वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ नॉन मोलिकुलर वेट्स, ऑलिगोसेक्राइड्स, सुगर्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुगर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ब्लैंक दे रखा है आर यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और क्यूटोन्स। तो मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोनोसेक्राइड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ब्लैंक दे रखा है आर सिंपल सुगर्स विद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। तो रिड्यूसिंग, पॉलीसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स, नॉन रिड्यूसिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलिगोसेक्राइड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एल्डोहेक्सोज और स्टेक की यूज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। रेफिनोज जिसका दोस्तों अर्धसूत्र होता है C18H32O16 इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू गैलेक्टोज, ब्लैंक दे रखा है एंड फ्रक्टोज। तो गैलेक्टोज, एल्डोहेक्सोज, स्टेक्योज और ग्लूकोज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ब्लैंक दे रखा है आई हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 α-D गैलेक्टोज यूनिट्स, 1 α-D ग्लूकोज यूनिट एंड 1 β-D फ्रक्टोज यूनिट। तो C4H2O2, C24H42O21, C42H24O21 और C40H42O22। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C24H42O21 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमने बायोकेमिस्ट्री के टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।